हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का हमारा प्लान है करोल बाग का। मुझे अपनी बाइक में कुछ एसेसरीज लगवानी है, खासकर जाना का क्रैश गार्ड। तो अभी हम निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं उसकी फिटिंग वगैरह। और आज मैं अपनी बाइक भी दिखाता हूँ आपको, जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई। सो फाइनली गाइस, निकलता हूँ मैं करोल बाग के लिए। और ये है मेरी होंडा हाइनेस। लुक इट, बहुत प्यारी बाइक है, बहुत प्यारी। फिलहाल अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम लेट हो गए। मुझे बिट्टू को भी लेना है रास्ते में से, वो मिल जाएगा मुझे, उसके बाद निकलते हैं। बाइक के बारे में बाद में फिर कभी बात करेंगे, बाइक के रिव्यू के बारे में। ए जेठालाल जी बैठे हुए हैं हमारे। अरे फोन पे बैठ के बात कर लियो ना। हेलमेट ऑनलाइन बोला था मैंने। हैं यार, 2 साल हो गए इनको। उसके एडिडास के हैं, तुझे पसंद नहीं है ना भाई एडिडास? मुझे एडिडास पसंद है, नाइकी से ज्यादा अच्छे बनाता है ये। राजा हाँ, तो बैठ के बात कर लेगा ना फोन पे। हेलमेट लाना है तो ऐसा तो नहीं लाना ना, स्टील बट का लिया है ना? हाँ ठीक, हाँ तो स्टील बट का ले आएंगे। चल रहा है वो, चालू है वो, बैठ। उनको कहे कि बाइक चेंज कर दें क्या? साले ले ले, अभी भी BMW ले ले, सुतरी के। चल आते हैं, शाम को आते हैं। आज फाइबर मत तोड़ना भाई कोई। सो फाइनली गाइस, उत्तम नगर पार हो गया है। और उत्तम नगर पार करते ही बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कोई जंग जीत ली हो। इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, इतना हैवी ट्रैफिक रहता है, परेशान हो जाते हैं। ये 3 किलोमीटर का एरिया निकालने में आधा घंटा 40 मिनट के लगभग लग जाते हैं। उसके बाद का रास्ता 20 किलोमीटर है, उसमें 20 मिनट लगते हैं, और ये 3 किलोमीटर है, इसमें 40 मिनट लगते हैं। बिट्टू का थोड़ा मूड ऑफ है, मेरे पीछे बैठा हुआ है, उसकी बाइक आ नहीं रही है, डिस्पैच नहीं हो पा रही है। वहाँ से बेंगलोर से आनी है इसकी बाइक, यहाँ नोएडा में उसका शोरूम है बनेली का, और वो 3 महीने से सिर्फ गोली दिए जा रहे हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 हफ्ता 2 हफ्ता। फिर उन्होंने 1 महीना कोविड का नाम लेके निकाल दिया। अब आज 22 तारीख को उसकी बाइक आनी थी, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ देंगे आपको डिलीवरी। और
ये वेट कर रहा है बाइक का, इसने वो सारी एसेसरीज वगैरह सब कुछ ले कर रख ली है, सिर्फ बाइक का वेट है। इसकी बाइक आते ही हम लद्दाख के लिए निकल जाएंगे और मैं भी अपनी बाइक को लद्दाख के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं भी सारी एसेसरीज़ वगैरह मंगवा रहा हूँ, कुछ आ गई हैं, कुछ ऑन द वे हैं, अमेज़ॉन वगैरह से मंगवाई हैं, कुछ हम करोलबाग से परचेस करेंगे और कुछ हमने ले ली हैं पहले से। देखते हैं अब क्या होता है आगे इसकी बाइक का। ये इसका प्लान चेंज हो रहा है, ये शायद कावासाकी पे भी जा सकता है, बट जो बेनेली की TRX में जो बेनिफिट्स और जो थे, जो बेनेली की TRX में बेनिफिट्स थे वो और किसी बाइक में उस रेंज में नहीं है अवेलेबल, वो फिर रेंज हाई हो जाती है। और कोई नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं। अब वो बात घुमा रहा है मेरे को, वह बोल रहा है कि सुबह मॉर्निंग पार्क चलना है, ये करना है, वो करना है, वैसे उसका मूड ख़राब है। बट देखते हैं आज क्या, तो हम करोलबाग के बाद डायरेक्ट नोएडा जाएंगे, शोरूम में बात करके आएंगे, उनको पैसे दे रहे के एडवांस पैसे दे रहे के हैं, कैश में बाइक लेनी है, वो चेक भी दे रहे हैं बट वो बाइक अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। जैसा भी है देखते हैं क्या होता है, पर आज पहले करोलबाग का काम निपटाते हैं, बहुत सारा काम है। सबसे पहला काम है क्रैश गार्ड। होंडा का क्रैश गार्ड मैं इसलिए नहीं लगवा रहा कि बहुत छोटा क्रैश गार्ड है, बहुत हल्का क्रैश गार्ड है, इतना छोटा है कि वो बाइक गिरती है तो वो क्या सेफ करेगा, क्या टैंक को बचाएगा, वो इतना छोटा सा है, वो टैंक के अंदर अंदर ही रहता है। तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं उसका, तो इसीलिए जाना में जा रहा हूँ। जाना का क्रैश गार्ड मुझे अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है उसकी, और बाकी देखते हैं वहाँ जाके। बिट्टू कह रहा है ट्रक ले लेते हैं, ट्रक में रखते हैं सारा सामान और खाना वगैरह बनाने का सिलेंडर, गैस सिलेंडर वगैरह, गद्दे वगैरह सब रख लेते हैं, ट्रक से चला करेंगे, ट्रक से ट्रिप मारा करेंगे सारे। राइनोक्स की जैकेट मंगाई है मैंने ऑनलाइन, अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। राइनोक्स का ही रेनकोट है, राइनोक्स का ही विंटर जैकेट है, तो वो शायद 25 या 26 तक आ जाएगा, 2-3 दिन में आते उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे उसकी क्वालिटी आपको। मैंने देखी हुई है इसीलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पहले मैंने ऑफलाइन जाके देखा था। और बाकी एसेसरीज़ आज लेकर आते हैं करोलबाग से, पहले तो आज बाइक को निपटाते हैं। बाइक का काम ख़त्म हो जाएगा तो मुझे सिर्फ एक ग्लव्स लेने हैं और कुछ नहीं लेना, बाकी सारी मेरी एसेसरीज़ हैं। और सैडल बैग मुझे ऑफलाइन लेने हैं, मैं एक बार बाइक पे लगा के मैं अच्छे से चेक करना चाहता हूँ। राइनोक्स में 2-3 मॉडल हैं अलग अलग, तो उसमें से जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा मेरी बाइक पे मैं वही परचेस करूँगा, तो इसलिए मैं ऑफलाइन ही लूँगा सैडल बैग।
क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन सेम रेट होते हैं। राइनोक्स का जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऑफलाइन ऑनलाइन सेम रेट होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे तो वो राइनोक्स के ही स्टोर से डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा, बिचौलिया नहीं है उसमें कोई। ये क्या हो गया है भाई आजकल के, बस वाले अंकल जहां मर्जी मन करता वहीं रोक देते हैं, और जब उनके पीछे चल रहे होते हैं फिर उनको दिक्कत होती है। बिट्टू को भी एक हेलमेट लेना है लोकल के लिए, दिल्ली के लिए। इसने भी एक्सोर का ही लिया था हेलमेट, हम दोनों ने सेम मॉडल लिया। फिलहाल इसको एक लोकल के लिए हेलमेट चाहिए, देखते हैं स्टील बट में लेंगे। चोपड़ा स्टोर है वहाँ पर सारे सामान अवेलेबल रहते हैं, आज वहाँ भी जाएंगे चोपड़ा स्टोर पे भी। GoPro में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हैंग हो जाता है, मेरे GoPro में नहीं है, ये जितने भी GoPro होते हैं उसके अंदर एक ही माइनस पॉइंट है कि हैंग बहुत होता है। लेकिन पिक्चर क्वालिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके, बिना माइक के भी GoPro 9 की वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत गजब है ये, बहुत गजब। ये हमारे होमगार्ड भाई लगे हुए हैं मास्क का चलान काटने पे, फिर से रेड लाइट। तो फाइनली जाना के शोरूम में पहुंच गए, अब देखते हैं इनके पास क्या क्या मिलता है। और ये है वो राजमा चावल वाला, जिससे कि हम राजमा चावल खाएंगे। क्रैश गार्ड चाहिए यार इसका। सर क्रैश गार्ड है आपका 2700। वो पैसे नहीं पूछे यार मैंने, मैंने क्रैश गार्ड पूछा है। मिल जाएगा सर क्रैश गार्ड। ठीक है बस चलो, और इसकी क्या क्या, चलो अंदर ही आ जाओ ना, अंदर आ सकते हैं ना। वॉकिंग अलाउड है? वॉकिंग अलाउड है क्या? वॉकिंग अलाउड नहीं अंदर। अच्छा हम नहीं जा सकते अंदर। अच्छा यार हमें कुछ देखना हो, कुछ एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ। इसका खाली आपको ना वही मिलेगा क्रैश गार्ड। हां नहीं होगी। और एक आता है इसका बैकरेस्ट, पर उसके लिए आप पैसा आना पड़ता है। नहीं बैकरेस्ट नहीं लगवाना मुझे, बैकरेस्ट तो मैं वो शोरूम से देखूंगा आपको। सर यही मिलेगा। अच्छा उसमें आपकी लेबर चार्ज उसी में है ना? हाँ जी सर लेबर चार्ज उसी। कितना बताया था? 2700 सर। 2700 चलो दिखाओ एक बार। नहीं नहीं पीछे का मैं शोरूम से लगवाऊंगा। हाँ लगवा लगवा आ रहा हूँ मैं। चलो वो निकाल रहे हैं, उसके बाद जब फिट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है ये बहुत गंदी हो रही है बाइक, इसका भी दिखाएंगे आपको।
अभी निकलते हैं, अनबॉक्सिंग घर पे जाके करेंगे। फिर सामान सारा निकलवा लिया। फाइनली गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है और हम घर के लिए प्रस्थान करते हुए तो ढंग से बैठ। बिट्टू से बैठा नहीं जा रहा था, सामान कुछ ज़्यादा ही भारी हो गया हमारा। अब निकल रहे हैं। वो गाली पकड़ा है मेरे को, कह रहा है मेरे को बाइक चलाने दे, सामान तू पकड़ के बैठ। निकलते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा राइडर्स बहुत आए हुए हैं, बाइक राइडर्स इतने आए हुए हैं, सब तैयारियों में लगे हुए, सबका कहीं ना कहीं का प्लान है। कोई छोटा मोटा ट्रिप प्लान कर रहा है, कोई लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहा है, कोई स्पीति ट्रिप प्लान कर रहा है, सब। और हमारे यहाँ बिट्टू भाई साहब जी हैं, इनकी बाइक ही नहीं आ रही। सो अभी निकलते हैं घर के लिए, निकल रहे हैं। घर पहुंच के फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। मैंने एक एक्स्ट्रा रेनकोट लिया है, राइनोक्स का भी मैंने मंगवाया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है अमेज़ॉन से। मैंने एक एक्स्ट्रा और लिया है, वो भी मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो वो भी हमने एक एक सेट हम दोनों ने ही ख़रीदा। करोल बाग में आने के बाद कंफ्यूजन रहता है, किस शॉप पे जाएं, किस पे ना जाएं। किसी भी शॉप वाले से पूछ लो कि हमें ये सामान लगवाना है, तो वे बोलेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम लगा देंगे, हम लगवा देंगे, हम लगवा देंगे। अपने कमीशन के चक्कर में फिर कहीं और किसी और शॉप पे ले जाके खड़ा कर देते हैं, फिर कमीशन उनका कमीशन बनता रहता है फिर, और वही प्रोडक्ट फिर हमें महंगा मिलता है। कुछ भी हो, बिट्टू ने बाइक रुकवाई है, शायद उसका शोरूम से ही कॉल है। आज उसको पता लगने वाला है कि उसकी बाइक कब आएगी, क्योंकि सुबह उसने फ़ोन करके हड़काया था। अब इसे फिर से 1 तारीख तक की गोली दे दी है। ऐसी गोलियां बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, निकलते हैं हम घर के लिए। सो गाइस, बिट्टू को घर छोड़ दिया है और अब मैं पहुंचने वाला हूं घर पर। थोड़ा सा रोड पे ट्रैफिक है,
पता नहीं क्यों, मार्केट लगा होगा शायद साथ वाले रोड पे, उस रोड का ट्रैफिक भी इसी रोड पे आ गया। हाँ आज ट्यूसडे है तो मार्केट लगा होगा, सब्जी मार्केट लगता है। मैं भी पहुंचने वाला हूँ घर पर, घर पर पहुंच के नहाना है मुझे, गर्मी लग गई, पसीने पसीने, सारे कपड़े मेरे पसीने में हो गए, इतनी गर्मी थी और वहाँ इतनी भीड़ थी, बुरा हाल हो गया वहाँ पर। और शॉपिंग भी करनी थी, तैयारियाँ करनी होती हैं धीरे धीरे करके, गया हूँ मैं। GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी तो शूट आधा ही रह गया, पूरा शूट नहीं कर पाया। और जो जो सामान अभी हम करोल बाग से लेकर आए हैं वो मैं उसकी अनबॉक्सिंग में 2 से 3 दिन बाद करूँगा, क्योंकि अभी मेरा अमेज़ोन से भी कुछ और सामान आना है तो वो एक साथ ही अनबॉक्सिंग करेंगे। फिर आपको मैं जैकेट वगैरह मंगवाई है वो पहन के भी दिखाऊँगा, तो उनकी फिटिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह। और अभी के लिए क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं हमारी एक नई वीडियो।